कहाँ जा रही है उजाला बीबी? बहुत प्यारी लग रही है। अरमान के साथ। आज तो वैसे आपकी तैयारी माशाल्लाह। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मुझे छेड़ रही हो? तौबा करें, मैं आपको क्यों छेड़ूंगी। सच में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए, खुश रहें आप। अच्छा दादी अम्मा, अच्छा। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? नहीं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। चलें, अपने शौहर के साथ हमेशा खुश रहें। जब आप वापस आएंगी ना, मैं आपकी नजर उतारूंगी। उजाला, नौकरों से ज्यादा फ्री ना हुआ कर, इनको अपनी औकात में रखा। देख, तू मेरा बचपन का दोस्त है। मैं नहीं समझता कि हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि छोटी छोटी बातों पर हम नाराज हो जाएं। जो होना था वो हो गया। समझता तो मैं भी यही था, मगर ऐसा है नहीं। तुझे मैंने हमेशा भाइयों की तरह समझा, जो अपने लिए सोचा वही तेरे लिए किया, कभी कम नहीं समझा। इनफैक्ट अम्मा तो कह रही थी कि मैं हमजा को मनाने खुद जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं अपने यार को मना लूंगा, वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। इन बातों को छोड़, आने का मकसद बता। फिलहाल तो मैं तुझे मनाने के लिए आया था, लेकिन अगर तूने वो काम की बात की है तो वो सिर्फ तुझसे डिस्कस करना था। वो हाईवे के, तुझे पता है, टेंडर लॉन्च हो रहे हैं। समय तुझे मिल गया, और कुछ? आई न्यू कि तू मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेगा यार। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, अम्मा को फोन। जी अम्मा। हाँ हाँ, तुम खुश हो? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम जानती हो तुम्हारा शौहर तुम्हें अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारे सामने मैं उसे किसी भी काम के लिए ना नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मैं उसे ना कह ही नहीं सकता। उजाला, तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो, लेकिन मैं चाहकर भी एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं सका। तुम्हें पता है, एक पल के लिए भी तुम मेरी नजरों से उछल नहीं होती। मुझे लगता है तुम अभी भी यहीं रहती हो, इसी घर में। मेरे साथ, मेरे पास। मुझे
जब मैं रात को देर से घर आता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अचानक से तुम आओगे और मुझे डांटोगे कि मैं इतनी देर से क्यों आया। अब बस तुम्हारा इंतजार है, तुम्हें देखने का, तुमसे बातें करने का। ये मोहब्बत मेरे बस में नहीं। I'm sorry. हाँ जी, घर आकर होती है बात। हाँ मैं करता हूँ, ठीक। ओके, किधर गया हमजा? उजाला चले? उजाला मैं तुमसे पूछ रहा हूं, लेट्स गो। गुजर गया तू हवा था क्या, जो बिखर गया नहीं आएगा कभी याद भी। मेरे दिल से तू जो उतर गया, बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है एंड आई फील कि बेबी हेल्दी है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैडम, बीपी नॉर्मल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरमान जी, तुम उजाला को लेके घर चले जाओ, मैं यहीं से चली जाऊंगी वर्कशॉप। ठीक है? ठीक, थैंक यू डॉक्टर। चलो डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी कहें। आप परेशान नहीं हो, ये मेरी अपनी है, आप इसके सामने बात कर सकती हैं। जी बट आई वुड प्रेफर इट कि अगर मैं आपके साथ बात करूं। देखिए, मैं चाहती हूँ कि उजाला की नॉर्मल डिलीवरी ना हो, सिजेरियन हो। लेकिन सबिया जी, आपकी बहू की तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है, हमें नहीं लगता कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। लोग तो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करते हैं और आप? इसकी एक वजह है। वजह? वो क्या? सबिया जी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती।
देखिए आज आप हमारे काम आएंगे, कल हम आपके काम आ सकते हैं। सॉरी सभिया जी, मैं ये नहीं कर सकती, आप समझ नहीं रही हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर होकर ये किस तरह कर सकती हूँ। चलें, आप इसके बारे में सोचिए जरूर, आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप चाहें। मैं अपनी सेक्रेटरी को भेजती हूँ आपके पास, आप उन्हें जवाब दे दीजिएगा। क्या बात है सोफी बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही? दिल नहीं जा रहा मामा। अपनी हालत देखी है तुमने, कितनी कमजोर हो गई हो, रंग पीला पड़ता जा रहा है, तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपनी सेहत का। किसके लिए ख्याल रखूं मामा, पूरा दिन अरमान बिजी रहता है ऑफिस में, वापस आके उजाला के पास चला जाता है, मैं इंतजार करती रहती हूँ। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि सोच समझ कर शादी करो इससे, मगर तुम पे तो इश्क का भूत सवार है। इश्क तो है मुझे अरमान से मामा, अगर वो मुझे ना मिलता तो शायद मैं मर जाती। अब कौन सा जी रही हो, इसे जीना कहते हैं क्या? खुद को देखा है कभी तुमने? तुम तो मेरी सोबी ही नहीं लग रही। बस एक बार उजाला की डिलीवरी हो जाए, हमें फिर उससे छुटकारा मिल जाएगा, फिर अरमान हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरा होगा। क्यों खुद को झूठे दिलासे दे रही हो बेटा? आप क्यों मेरी उम्मीदों पे पानी फेरती रहती हैं? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम इस पागलपन में अपने हवास खो बैठो, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मामा ड्राइवर को बोला मुझे घर छोड़ा है। क्यों, अरमान तुम्हें लेने नहीं आएगा? वो उजाला को हॉस्पिटल लेके गया है। अच्छा मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ा है। थैंक यू मैम। सकीना ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। लड़की कभी मेरी बात नहीं समझेगी, कभी नहीं समझेगी।